Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. कि ये कैमरा सस्ता है, लेकिन GoPro 8 में भी अडैप्टर और ये सब लगा करके ना माइक की बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे तो खैर 3.5mm जैक है, लेकिन GoPro में भी दिक्कत होती है। लाइट थोड़ा कम लग रहा है क्या? लाइट अरेंज करते हैं यार, एक सेकेंड। ये जला दिया चाइनीज़ लाइट हमने, बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज कितना बड़ा दिन है मेरे लिए। एक्चुअली सभी के लिए होता है जब आप कोई नई चीज़ खरीदने जाते हो, लेकिन बाइक और गाड़ी हमेशा मेरे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ी रही है। पहले मुद्दे पे, मतलब सीधा गंतव्य पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। बाकी आप डिलीवरी के लिए सीधा इस टाइम स्टैम्प पे पहुंच सकते हैं, लेकिन जिसको थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए वो कंटिन्यू कर सकता है मेरे साथ। तो मेरी पहली जो बाइक थी, दैट वाज द बेसिक वन, विच वाज बजाज डिस्कवर 125cc DTSI। बिल्कुल नई नवेली आई थी वो, एंड दैट वाज इन ईयर 2005। तो मेरा जो बाइक था उसमें ना डिस्क ब्रेक था, ना इलेक्ट्रिक स्टार्ट था, और बिल्कुल बेसिक बाइक जो होती है, जैसे कि स्प्लेंडर वगैरह वैसे था वो। लेकिन बीइंग द DTSI इंजन, इनिशियल टॉर्क और थ्रस्ट था, मैक्सिमम 90 तक ले गया था मैं उसको इन द सेवरल ट्रिप्स दैट आई हैव बीन ऑन दैट बाइक। पहला तो मैं ऋषिकेश गया था, आफ्टर दैट मैं और मेरे एक और दोस्त था परेश, जिसको आपने देखा होगा पचमढ़ी वाली ट्रिप में। तो उसके साथ मैं केदारनाथ भी गया था सिंगल बाइक पे, और उसमें लगेज भी लोडेड था, उतना सैडल बैग वगैरह नहीं होता था हमारे पास तब, सिर्फ बंजी कॉर्ड और ये सबसे हम एक बैग के अंदर अपना सामान बांध करके ले गए थे। उसके बाद उस बाइक को मैंने तकरीबन 4 साल चलाया, और उसको फिर मैंने बेच दिया। और उसको बेचने के बाद मैंने 2009 में रॉयल एनफील्ड एलेक्ट्रा ली, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो एलेक्ट्रा को फिर मैंने 2009 से 2012 तक 3 साल चलाया। इट वॉज अ गुड बाइक, अभी भी मेरे फ्रेंड के पास है, ही इज राइडिंग एक्चुअली। 2012 में फिर रॉयल एनफील्ड का ही मैंने थंडरबर्ड लिया था। बोथ दिस एलेक्ट्रा एंड थंडरबर्ड दोनों वेयर ट्विन स्पार्क इंजन। हालांकि रॉयल एनफील्ड दिक्कत करती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दिक्कत नहीं करती है, दिक्कत करती है वो, स्पेशली द थंडरबर्ड विच आई बॉट इन 2012। उसमें सबसे ज़्यादा इशू ये था कि वेन एवर आई टेक इट फॉर वॉशिंग, और अगर वैसे कोई रेनी डे में अगर मेरी राइड हो गई, तो इट क्रिएट्स हेल लॉट ऑफ मिस फायर। आई डोंट नो व्हाट वाज द फॉल्ट, बिकॉज मैंने उसको सर्विस सेंटर में भी दिखा लिया। मैंने जो करोल बाग में बहुत पुराने और फेमस मैकेनिक्स हैं, किसी ने कहा कि स्टार्टिंग स्विच बदल दो, किसी ने कहा कि जो स्पार्क प्लग का अडेप्टर है उसको कवर करो, उसमें पानी जाने की वजह से मिस फायर होता है। कुछ लोगों ने कहा कि जो सीट के नीचे ECU होता है, ECU कहते हैं वो, क्या कहते हैं जो AC टू DC कन्वर्ट करता है एंड स्टेबलाइजेस द वोल्टेज, शिट यार टर्म भूल गया, मतलब आप समझ लो ना वो वही। तो वो जो था, किसी ने कहा कि उसको पन्नी से रैप कर दो, जब आप वॉश करवाते हो तो उसके सॉकेट्स में पानी चले जाता है, जिसकी वजह से ये मिसफायर होता है, एंड इट एक्चुअली इरिटेट्स। मतलब आपको 10-15 मिनट धूप में खड़ा रख करके उसको सुखाना पड़ता था, देन इट स्लोली स्टार्ट वार्मिंग अप, एंड देन आप उसको रेव करके चला सकते थे, अदरवाइज वो रेव करते ही बंद हो जाता था। और एक और सजेशन आया था कि जो थंडरबर्ड और बुलेट की जो लाइट होती है, लाइट के पीछे एक बहुत बड़ा हब असेंबली होता है, वेयर ऑल द वायर फ्रॉम योर कॉन्सोल, जो मीटर कॉन्सोल है, एंड टुवर्ड्स द इंजन, वहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि उसको पॉलीथीन से रैप कर दो। आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम। एक बार उसकी वायरिंग भी चेंज करवाई थी मैंने, बट वो ठीक नहीं हो पाया।
तो फाइनली मैंने उसको करोल बाग में ही, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो दिल्ली में रहते हैं कि काफ़ी बड़ा सेकेंड हैंड बाइक्स का मार्केट है, तो मैंने उसको वहाँ पे बेच दिया था. नाउ इन 2018 आई हैव सोल्ड माई थंडरबर्ड. 2017 में मेरी TUV आ चुकी थी. TUV आने के बाद इवन आई हैव मेरी राइड करना जो था वो बहुत लिमिटेड हो चुका था, जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट एंड द TUV थिंग पसंद थी हमें बहुत ज़्यादा. तो हमने इतनी सारी ट्रिप्स TUV पे की कि बाइक से फिर मनी उतर गया था. बट आफ्टर 2.5 years अप्रॉक्सीमेटली फिर से कीड़ा जा रहा है और ज़बरदस्त जा रहा है. तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको एक्चुअली मेरे बर्थडे पे जुलाई में ही इसको लूँ, बट मेरा प्लान था नोएडा जाने का इन राखी एक्चुअली. तो मैंने कहा कि यार मैं लूँगा, फिर मैं लेने के बाद 20-25 दिन के लिए मैं फिर दिल्ली जा रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी. ऑल्दो आई लिव इन अपार्टमेंट जहाँ पे अंडरग्राउंड कवर पार्किंग है, लेकिन यार मतलब कोई नई चीज़ होती है. अगर गाड़ी की बात करें फिर भी उसमें GPS ट्रैकिंग और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बाइक वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू. तो मैंने कहा कि काम करते हैं, वहाँ से आने के बाद बाइक लेते हैं अपन. लेकिन वहाँ से आया मैं तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट का एक रूल था कि फ्रॉम द स्टेट लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, द पीपल हु आर कमिंग एंड आर इवन एसिम्प्टोमेटिक, उनके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, स्टिल दे हैव टू गो थ्रू द होम क्वारंटाइन ऑफ 14 days. तो मैं 17th of August को आई केम ओवर हेयर इन बैंगलोर, बट आई हैव टू गो थ्रू द होम क्वारंटाइन. बट फॉर्चुनेटली ऑन 26th of August कर्नाटका गवर्नमेंट रिलीज दैट देर वुडंट बी एनी क्वारंटाइन फॉर ए सिम्टमिक ट्रैवलर, जिनके अंदर कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, एंड दे डोंट इवन हैव टू गो थ्रू द होम क्वारंटाइन. इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए. फॉर द पीपल हु आर सिम्टमिक एट द वेरी पॉइंट जहाँ पर उनका चेकअप होता है, बैंगलोर एयरपोर्ट पे या यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे या फिर कोई और रेलवे स्टेशन पे जहाँ वो उतरते हैं, तो दे हैव टू गो फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जब तक उनका यहाँ पे एक बार और ICMR या कोई दूसरी फॉर्म से उनका COVID-19 का टेस्ट नहीं हो जाता. और अगर उसमें वो पॉजिटिव आ गए दैन तो प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन वो सब तो चलता रहता है. तो थैंकफुली ऑन 26th of August ये होम क्वारंटाइन वाला सीन हट गया. I approached Bajaj और आज वो दिन आ गया जब हम फिर से एक बाइक लेने जा रहे हैं. Although इससे पहले जितनी भी मेरी बाइक की परचेज थी, इनफैक्ट एट दैट टाइम ऑफ परचेजिंग TUV एज वेल, विच वॉज इन 2017, I was not doing rigorous vlogging, मतलब हर मोमेंट को कैप्चर नहीं करता था मैं. whenever I travel वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत शूट करता था बट ये प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करता था. बट दिस वुड बी माई फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे आई शेयर माई एक्सप्रेशन, आई शेयर माई फीलिंग्स, आई शेयर माई ऑल थ्रू आउट जर्नी ऑफ बाइंग अ न्यू बाइक शोरूम से निकालते हुए और घर तक लाते हुए. तो चलिए चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, तो अभी लाइफ की दो सबसे इम्पॉर्टेंट काम या दो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है. पहला तो कि लाइफ में चाहिए इज्जत, वो भी तत्काल प्रभाव से, ऐसे नहीं चलेगा भाई. और दूसरा जो है वो है कि हमें नारियल और नींबू लेना है शोरूम जाने से पहले. जो रस्म होता है गाड़ी को आप रोड पे उतारने से पहले जो करते हो, तो उसके लिए वेदर बैंगलोर का हमेशा ठीक रहता है, तो वेदर के मामले में कोई दिक्कत ही नहीं है. नींबू और नारियल चाहिए. चलिए पहले ऊबर बुलाने से पहले नींबू और नारियल लेते हैं. नींबू और नारियल तो हो गया है, फ्रॉम द सुपर मार्केट बिहाइंड मी एक्चुअली. अब बुलाना है हमें ऊबर, ओला. अच्छा सनी डे है, लेकिन बैंगलोर की यही खासियत है धूप होने के बावजूद ना गर्मी नहीं लगती. ऊबर बुलाते हैं पहले. और हमारी ऊबर ऑटो आती हुई यही है क्या? 2783 2783 नहीं, इसके पीछे वाली है. आई है guys, तो
फाइनली आई हैव रीच्ड ऑन टू माय डेस्टिनेशन। अंदर जाकर के पेपर वर्क फॉर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और दूसरी बीस्ट को लेकर के बाहर निकलते हैं। लेट्स गो। Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. Yeah, I ain't come to argue, let a nigga fuck. मतलब मैनुअल समझ रहे हो? कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद ये मैनुअल हमारे हाथ में आ चुका है ऑफ डोमिना। अब बस नीचे जाना है हमें और गाड़ी क्लिक करनी है। क्वाइट एक्साइटेड यार। हमेशा कोई गाड़ी खरीदने जब आपके साथ भी होता है क्या? प्लीज़ डू कमेंट कि कैसे दुख 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 टाइप का फर्स्ट ड्राइव फर्स्ट इग्निशन। I left that jacket in my closet. I'm in the mood for a switcher. I hit the function. Oh my god. Service manual mil chuka hai mujhe haath mein. The only thing is left is to take the delivery of the vehicle. Ah, quite excited to see how it looks for the very first time. Although pata hai kaisi lagti hai, but apni wali special hai na bhai. Alag hai, alag. Oh yeah. Then you can on the kill switch, sir. Okay, once you on the kill switch, only the neutral channel will be identified. Okay. If on the this all the indications will be shows in the meter itself. Almost 35 indications will be shown. Actually, that one will be in running time only to be identified. In case any problem is there in the vehicle, it will be identified in the meter. Sir. Okay. Small identity. In case the small error, for example, the indicators are also indicated in the display. Sir. Side shunt down now, side shunt indication. And the refueling. Refueling is what means the petrol. The fuel BS6 actually. So minimum you should be there around 2 liters the petrol. Inside, okay. One I has been, now the period check has been done. The letter I has been filled it up. Once you are going time, you need to fill it nearby itself. Okay. Don't fill the full tank. Make it as a 500 rupees. Okay, right now. Right now, so till the first service. After the first service also, don't go fill the full tank. And you can make it up to 10 to 10 liters, sir. Okay. Okay. The capacity is of 13 liters. 13 liters. 13, you can fill up to 10, 11. That is enough. In case you are filling the full tank, means airlock and the petrol also becomes outside, sir. Okay. To avoiding that, sir. And this is the ABS. It will be whenever you are on the vehicle. Once in the riding time, it will get off, sir. After 10 kilometers, automatic. And this is a neutral. And this is for BS6 indication light, sir. Okay. In case vehicle any problem is there, means which one is clear, sir. This is a warning light. This also will be intimated to you. Take it. हो जाए भैया मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है भैया, थैंक यू। वो नीचे नींबू लगाया था वो देख रहा था मैं। ओ भाई सॉरी, मैं उस टाइम पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था टाइम ऑफ टेकिंग द डिलीवरी। इतना एक्साइटेड था मैं कि पूछिए मत। ओ भाई अपनी डोमिनार आ गई। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, मतलब बता नहीं सकता मैं। अब मेरे को एक फ्यूल स्टेशन ढूंढना है नज़दीक में बिकॉज ओके शेल का है यहाँ पे कहीं पे। अच्छा भारत पेट्रोलियम है। अरे अरे ब्रेकिंग 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 ध्यान रखना है डोमिनो। अरे शिट बंद हो गई। ओ भाई क्या मजा आ रहा है यार, मतलब ऑल्दो थंडरबर्ड चलाया है इलेक्ट्रा चलाया है लेकिन इसकी एक्सेलरेशन यार कंट्रोल रवि कंट्रोल भगाना नहीं है 2000 किलोमीटर तक। और हम पहुंच गए वी पावर दिलवाने के लिए। ओ भाई ये तो अलग ही सिस्टम है यार।
500. Oh, 500 VPAR. Huh? Hindi, English. Okay. Number 10. 12, okay. Nice system, yeah. See ya. Thank you. Oh my goodness, अब 500 रुपए में अराउंड 5 लीटर फ्यूल गया है एंड द बार इज ऑलमोस्ट इन बिटवीन, मतलब आधा भर चुका है यार। इन्होंने गाड़ी में ना बहुत ज्यादा पॉलिश मार दी है, मतलब पूरा हाथ फिसल रहा है यार, पता नहीं कैसे मतलब करूं मैं, बहुत ज्यादा पॉलिश हो गया यार हाथ में, ये ग्लास व्लास सब जगह पॉलिश मार दी इन्होंने। लेट्स गो मेरा प्यार दारुना। ये बेबी 17 का एवरेज दिखा रही है। कोई बात नहीं यार, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको भी टाइम चाहिए और मुझे भी टाइम चाहिए हाथ साफ करने के लिए, क्योंकि जो बंदा 10 साल तक रॉयल एनफील्ड चलाया हो तो उसका बाइक का चलाने का सेंस कैसा हो जाता है, जो रॉयल एनफील्ड वाले पता ही है उनको। तो बजाज की बाइक पे जब आओगे, जब आपका एग्रेसिव एक्सेलरेशन होता है तो इट इज बिट डिफिकल्ट। बाकी अभी मुझे एग्रेसिवली एक्सेलरेट करना नहीं है, थोड़ा सा जज्बात पे काबू रखना है मेरे को। टिल फॉर सर्विस विच इज इन बिटवीन 500 to 750, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा जज्बात पे काबू। बाकी यार इसका राइडिंग पोस्चर और जो राइडिंग कंफर्ट है, अभी थोड़ा सा गाड़ी में हल्का वाइब्रेशन है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने जो पहले डोमिनार चलाई थी रॉयल ब्रदर्स से लेकर के रेंट पे, उसमें काफी कम वाइब्रेशन था, तो प्रॉब्ली मैं फर्स्ट सर्विस पे ही एड्रेस करूंगा, क्योंकि मुझे बम के नीचे मतलब जो सीट पर बैठा हूं वो और हैंडल बार में भी काफी ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, विच वॉज नॉट देयर ऑन द डोमिनार विच आई हैव राइडन फ्रॉम द रॉयल ब्रदर्स जो रेंट वाली थी। बट अभी निकली है, फाइन ट्यूनिंग करते करते सब कुछ होते होते थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में, तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए किसी चीज से भी। बाकी तो यार इट्स ऑसम, बाकी सब बढ़िया है, स्पीड को कंट्रोल रखना 70-80 तक। वाह यार ब्यूटी, अभी कॉन्फिडेंस आने लग गया यार इसके साथ। ओ भाई क्या भगा रहा है, बजाज आउटी OUTE टेम्परेरी नंबर प्लेट है इसका भी, ये भी भगा रहा, भगाओ। ओ अच्छी जा रही है, अरे नहीं रवि यार, और एवरेज जो गाड़ी दिखा रही है दैट इज ऑफ 23 राइट नाउ इन दी नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में भी आज इस टाइम पे काफी हल्का ट्रैफिक है, बिकॉज इट्स 4:34, तो वो ऑफिस आवर्स अभी शुरू नहीं हुआ, तो अभी तो ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा व्हाट अ न्यू बाइक विल गिव इन द सिटी ट्रैफिक। बाकी थोड़ा सा अभी पूजा करवाना है, खुद भी पूजा करूंगा मैं, अगरबत्ती दिखाऊंगा, तो वो सब चीजें मैं थोड़ा पर्सनल उससे करना चाहूंगा, मतलब मुझे ब्लॉग करने की आदत नहीं है, अच्छा तो लगता है लेकिन आदत नहीं है, तो उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं। जब शिव जी का स्मरण करूंगा तो शिव जी के ऊपर पूरा ध्यान होता है, तो व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा। बाकी हमारा कट आ गया, यहां से हम लेफ्ट ले लेते हैं वरना हम रेड लाइट पे फंस जाएंगे, रेड लाइट पे लगी हुई है जाम। तो नारियल तो बैग में है मेरे, ओके नारियल तो बैग में है मेरे, फ्यूल 3 बार है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, मेरे घर के जस्ट 1.5 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है,
तो वहां से मैं फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम भरवा लूंगा बिकॉज वो इंडियन ऑयल का है. तो देयर वाज ऑल. बाकी अभी एक नई चीज आई है घर में तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, थोड़ी चुल रहेगी जिसे हम कहते हैं अपने दिल्ली वाली भाषा में, चुल रहेगी बाइक को बाहर निकालने की. लेकिन नंबर प्लेट इम्पोर्टेंट है और कोई लॉन्ग ट्रिप से पहले फर्स्ट सर्विस इम्पोर्टेंट है. एक ऑयल चेंज हो जाए, थोड़ा सा पिस्टन नवा हो जाए, देन रवि राजा कैन रोम अराउंड. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आप लोग भी दुआ करिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि कोई एक्सीडेंट कोई मिसहैपनिंग ना हो इस गाड़ी से और पीसफुली और आराम से ये मैं इसका साथ देता रहूं, ये मेरा साथ देते रहे. इसका साथ देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेक डाउन हर्ट्स द मोस्ट. तो ब्रेक डाउन ना हो, कोई ऐसा मिसहैपनिंग ना हो, मुझे ना हो इस बाइक से और इस बाइक से किसी और को ना हो. बस यही दुआ करते हुए चल रहे हैं और देखते हैं अगली बाइक कौन सी होगी. अभी के लिए तो यही है और ये काफी अच्छी है यार, मतलब बहुत सोचने विचारने के बाद. हालांकि मेरा एक मन इंटरसेप्टर को भी जा रहा था लेकिन अभी को इंटरसेप्टर जीटी कॉन्टिनेंटल वो कैफे रेसर का मन नहीं है मतलब. और उस पर थोड़ा सा सैडल स्प्रे लगाना, सैडल बैग लगाना, फिर टॉप रैक लगाना, उस बाइक पे अच्छा नहीं लगता है और अपन को चाहिए टूरिंग पर्पज के लिए. तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना. तो इसीलिए पैसे की कमी नहीं है भाई, मतलब पैसा तो पूरा है लेकिन पर्पज फिल नहीं हो रहा रॉयल एनफील्ड से. और थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड से हटना चाहता हूँ, थोड़ा सा मतलब कोई एग्रेसिव स्पोर्ट ये वाली फील चाहिए. तो ये डोमिनार से मिल सकती थी तो डोमिनार लिया गया. बाकी कावासाकी और ये सब चीजों पे जब थोड़ी सी और पैसे हो जाएंगे तो उस पर देखा जाएगा. हाँ ये अभी लिया भैया. हाँ ये 250 का पड़ा, वो टेस्ट राइड के लिए लाया था, वो खरीदा नहीं था तब, वो चला के देख रहा था कि कैसा लगता है चलाने में. उसके बाद फिर अभी स्पीकर अभी खुला है मेंटेनेंस. ठीक है भैया, आई ला. चलो मिलते हैं अगले रोड ट्रिप पे. बाय बाय.